Hey guys, कैसे हो आप सब तो ऐसा है पिज़्ज़ा भी खाना है घर पर बना हुआ वो भी बिना किसी गीस के और एगलेस और वेजिटेरियन और झटपट बन जाए वो भी बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल में तो क्या प्रॉब्लम है तो आज हम बनाएंगे सबका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पिज़्ज़ा जो कि है मागरीटा पिज़्ज़ा एक ऐसा पिज़्ज़ा जो होगा एक्सट्रीमली माउथ वाटरिंग हंड्रेड परसेंट वेजिटेरियन और बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल में तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा आप सबको बहुत अच्छा लगेगा तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले सो लेट्स वी गैन तो उसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे पिज़्ज़ा बेस टेक वन एंड हाफ़ बाउल ऑफ मैदा वन फोर्थ कप ऑफ ऑयल हाफ कप ऑफ कर्ड पिंच ऑफ सॉल्ट हाफ़ टी स्पून ऑफ़ पाउडर शुगर हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा वन टी स्पून बेकिंग पाउडर अच्छे से मिक्स कर ले देन ऐड वाटर लिटल बाय लिटल और एक सॉफ्ट सा डो बना ले अब इसे अपने हाथों के पाम से मसलना है यूँ मसल मसल के इसके अंदर का ग्लूटन एक्टिव करना है तो हमारा डो रेडी हो चुका है तो पहले इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और फिर इसमें हम रखेंगे अपना गुंदावर डो ऊपर से थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देंगे और इससे ढक कर रेस्ट करने के लिए रख देंगे वन आवर के लिए आफ्टर वन आवर तो इसे हम अच्छे से नीट कर लेंगे फिर से और फिर इसके बाद हम इसे बेल लेंगे बेलने के लिए मैंने यहाँ मक्के का आटा यूज़ किया है अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं तो चाहे तो आप इसे हाथों से फैला लें या यू कैन यूज़ बेलन आल्सो ऑल अप टू यू तो मैंने इसे बेल लिया है और थीकलिया इतनी रखी है इसके बाद ना अब इसके साइड की आधी इंच की बाउंड्री को छोड़ते हुए हम इसके अंदर की साइड इस तरह से हाथों से गड्ढे बना देंगे अब तो हम अपना पिज़्ज़ा असेंबल करेंगे स्प्रेड पिज्ज़ा सॉस और फिर इसमें जाएगा खूब सारा चीज़ तो जितना भी चीज़ आपको पसंद है आप उतना डाल सकते हैं ऑल अप टू यू एंड स्प्रेड सम ऑयल ऑन साइड्स तो हमारा पिज़्ज़ा हो गया है बिल्कुल तैयार पेक होने के लिए प्रीहीटेड ओवन टू तो फिफ्टी डिग्री सेल्सियस फॉर टेन टू तो फिफ्टीन मिनट्स और टिल चीज़ मेल्ट और पिज़्ज़ा गेट्स क्रिस्पी यू कैन बेक आल्सो इन पैन तो जैसे कि आप देख रहे हैं चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुकी है तो इसी के साथ हमारा मागरीटा पिज़्ज़ा बिल्कुल सेम टू सेम डिनोज स्टाइल हो चुका है रेडी गर्मा गर्म सर्व करें तो आपने देखा कितना आसान था इसे बनाना मिनटों में बन जाता है ये एकदम और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू गाइस इफ़ यू इन्जॉइंग दिस वीडियो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर अपडेट्स मस्ट ट्राई दिस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइज